हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में हम जो है वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे और ये जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स रिलेटेड फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी एसएससी बैंकिंग और अदर एग्जामिनेशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके हमारा चैनल जो यूट्यूब पर रहता है इसको जो आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर टू प्रेस दी बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको जो है मिल सके। इस वीडियो में हम जो है वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम 1 जनवरी टू 7 जनवरी 2021। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। इसमें पूछा गया कि करंट जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है। देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है किसी भी नई वैक्सीन या नई ड्रग का अप्रूवल जो है हमारी कंट्री में जो है देते हैं। इनके अप्रूवल के बिना कोई भी वैक्सीन या कोई भी नया ड्रग जो है हमारी कंट्री में जो है बेचा नहीं जा सकता है, उसको जो है मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है हमारी कंट्री में जब तक ये उसको जो अप्रूवल ना कर दें। तो करंट जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है ये जो है वीजी सोमानी जी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सीडीएससीओ की वेबसाइट से मैंने ये जो है कटलाइट लिया हुआ है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। इसमें देखिए बताया गया है कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है न्यू ईयर ग्रीटिंग्स जो है दी हुई है और इसमें देखिए आप देख सकते हैं डॉक्टर वीजी सोमानी जो हमारे प्रेजेंट जो है हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। या विकिपीडिया का कटलेट देख सकते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ये वर्क करते हैं और इनका काम रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेज ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, आईवी फ्लूइड्स, नई वैक्सीन के अप्रूवल एंड सीराइन इंडिया। और ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर और ये जो है स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। ये जो आप सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है विकिपीडिया के जो है कटलेट जो देख सकते हैं, हेडक्वार्टर आपको इसके मिलेंगे न्यू दिल्ली में। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहते हैं और डॉक्टर वीजी सोमानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हमारे रहते हैं। सीडीएससीओ जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये देखिए हमारी नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है और इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस और ये जो है पैरेलल फंक्शन करती है जैसे कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी मिलेगी आपको यूरोपियन यूनियन की, पीएमडीए आपको जापान में देखने को मिलेगी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में और मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी आपको यूके में देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया हुआ है कि इसके अधिकार क्षेत्र में जो है ये जो है ऑल मेडिकल डिवाइसेस को जो है लाना चाहते हैं इंक्लूडिंग इम्प्लांट एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी। और जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं विद इन दी सीडीएससीओ ये रेगुलेट करते हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस अंडर द गैमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए, न्यूज आई थी रिसेंटली पहले कि वैक्सीन जो है काफी क्लोज है अप्रूवल की डीसीजीआई और इसमें देखिए इसमें बताया गया है द हिंदू की न्यूज में वीजी सोमानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने जो है वेबिनार में हिंट किया है कि वो बहुत ही जल्दी कोविड 19 वैक्सीन को अप्रूव कर देंगे। अब हमारी कंट्री में जो इमरजेंसी अप्रूवल जो है भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन रहती है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड रहती है इनको जो है इमरजेंसी अप्रूवल जो हमारी कंट्री में मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में इस तरह के क्वेश्चन बार बार जो है हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए सेक्टर में से कौन सा जो है कोर सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो देखिए, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, आपको ये कोर सेक्टर में देखने को मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको कोर सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा समी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कोर सेक्टर का पार्ट नहीं है। या बता हिंदू की न्यूज देख सकते हैं, इसमें बोला हुआ है कि कोर सेक्टर आउटपुट सिंक्स 2.6% इन नवंबर, यानी कि 2.6% से ये जो कम हुई है आपकी कोर सेक्टर की जो आउटपुट रहती है। और इसमें यह भी बताया गया है कि नवंबर 2020 में जो ये जो कोर सेक्टर है ये 2.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फर्टिलाइजर्स हैं, कोल है और इलेक्ट्रिसिटी है, इन्हीं ने जो है पॉजिटिव ग्रोथ आपकी शो की हुई है, बाकी सबने जो है नेगेटिव ग्रोथ आपकी जो है दिखाई हुई है। तो हमारी कंट्रीज में सो फार 8 सेक्टर्स को जो है 8 कोर सेक्टर हम बोलते हैं। कोर सेक्टर होते हैं जो कि बेस होते हैं इकोनॉमी के, जैसे कि सीमेंट हमें चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो ये बेस है, इलेक्ट्रिसिटी बेस है। आप यहाँ देख सकते हैं फर्टिलाइजर हो गए, सीमेंट हो गए, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ दी कोर सेक्टर। और आपने एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो रहता है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहता है। इसको रिलीज किया जाता है बाय दी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बेस ईयर 11-12 इसमें रहेगी। तो इस चीज को आप जरूर रिमेंबर कर लेना
कि जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है इसको रिलीज किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको जो रिलीज किया जाता है। बेस ईयर इसकी 11-12 रहेगी। और फर्टिलाइजर की सबसे देखिए मैंने इसको जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो है लिखा हुआ है। इसमें देखिए सबसे कम जो वेटेज रहेगी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स की रहेगी 2.63%, उसके बाद सीमेंट की रहेगी 5.37%, नेचुरल गैस की रहेगी 6.88%, उसके बाद क्रूड ऑयल आएगा 8.98%, कोल 10.33%, स्टील 17.92%, इलेक्ट्रिसिटी 19.85%, और सबसे ज्यादा रहेगी आपकी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 28.04%। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बीच में से तीन चार आपसे जो पूछ जाएंगे भी इनको जो है इनकी जिस हिसाब से वेटेज होती है उस हिसाब से इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आप जो अरेंज की दिए, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान में रख लेना, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और करंट जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है ये जो है कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम जी जो है हमारे करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपको देखने को मिलेंगे। इसी से रिलेटेड एक और जो है इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहता है जिसका नाम रहता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जो है मंथली पब्लिश किया जाता है बाई नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और इसमें जो बेस ईयर देखिए यहाँ पर ऐसे बोला गया कि करंट बेस ईयर विकिपीडिया ने 1718 बोला गया, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट इनकी देखें तो बेस ईयर जो है इनकी 11-12 है। और 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है इसमें जो 40.27% जो वेटेज इसमें ऑक्यूपाई करती हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जिसको जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है मंथली रिलीज करते हैं, इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज रहेगा 40.27%। और इसमें जो है जनरली मिनरल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये जनरली इसमें फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा गया है कि ऑपरेशन जो मेघदूत है इंडियन आर्मी का ये रिलेटेड है टू द विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो देखिए अमृतसर दमन एंड दीव से रिलेटेड नहीं है, गोवा से भी रिलेटेड नहीं है। ऑपरेशन मेघदूत जो हमारा CHN से जो है रिलेटेड है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि कर्नल बुल कुमार जी जो कि हीरो थे CHN हीरो जो थे ये जो है पासिस हो गए, इनकी जो है मृत्यु हो गई। ये आप इनका फोटो देख सकते हैं कर्नल नरेंद्र कुमार जी का। तो देखिए इसमें बताया गया है कि ऑपरेशन CHN में इनका जो है काफी बड़ा जो है रोल था, उसके ये हीरो थे। और जो ऑपरेशन जो मेघदूत है इसको लॉन्च किया गया था 13 अप्रैल 1984 को टू कैप्चर द 76.4 किलोमीटर ग्लेशियर ऑन दी सेल्टोरो रेंज। ये भी आपको CHN ग्लेशियर पर भी देखने को मिलेगी। तो जनरली ये फोकस था CHN ग्लेशियर और सेल्टोरो रेंज के ऊपर। और आज की डेट में CHN ग्लेशियर के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो इंडिया को जो मिलती है इस तरह CHN ग्लेशियर रहेगा। यहाँ पर साई चीन जो चाइना ने हमारा इलीगली ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, और यहाँ पर आपको जो POK जो पाकिस्तान ने हमारा एरिया इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, तो उसके बीच में हमारी हमें काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकल एक एडवांटेज जो इससे जो है मिलती है। या मैप में आपको बड़े अच्छे से जो समझ आएगा। देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हिमाचल, और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, यहाँ पर है चाइना। तो देखिए अगर आप सही ढंग से इसको देखेंगे पूरे के पूरे एरिया को, ये जो जम्मू एंड कश्मीर ये पूरा गोरा पार्ट जो है इंडिया का एक इंटरगल पार्ट है, लेकिन अक्साई चीन जो इंडिया का जो J&K का पार्ट है इसको चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। ये पाकिस्तान ने जो ट्रांसफर की हुई है टेरिटरी टू चाइना। और यहाँ पर आपको नॉर्थन एरिया ये जो POK देखने को मिलेगा ये पाकिस्तान ने हमारा इलीगली ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। और यहाँ पर बीच में आपको देखने को मिलेगा CHN, और CHN इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और यहाँ से हमें काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलती है, एक एडवर्टेंस हमें जो है एक स्ट्रेटेजिक एडवर्टेंस यहाँ से मिलती है, क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस है यहाँ से दोनों साइड जो अटैक कर सकती हैं। सो ये जो ऑपरेशन मेघदूत है 1984 का, ये अपने आप काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है। यहाँ पर टेम्पल के नाम हो रहे हैं, यहाँ पर रिस्पेक्टिव कंट्रीज है। फर्स्ट बोला गया है कर्क हिंदू टेम्पल। तो कर्क हिंदू टेम्पल जो है ईरान में लोकेटेड नहीं है। कर्क हिंदू टेम्पल से रिलेटेड न्यूज आई हुई है, इसको जो डिमोलिश कर दिया गया है, अगेन इसके ऊपर अटैक हुआ है इन पाकिस्तान, तो ये आपको देखने को मिलेगा इन पाकिस्तान। माइसन टेम्पल आपको वियतनाम में ही देखने को मिलेंगे, और एंकोर वाट टेम्पल आपको कंबोडिया में देखने को मिलेंगे। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 आर करेक्ट। तो ये यहाँ पर जो आप द हिंदू की गाइडलाइन देख सकते हैं, इसमें इंडिया ने जो है सिख होता है मांगना, इंडिया ने जो है मांग की हुई है कि एक एक्शन जो है होना चाहिए, जो कि अटैक जो है पाकिस्तान में जो है हिंदू टेम्पल के ऊपर हुआ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन ऑफ अफेयर्स स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कर्क जो हिंदू टेम्पल रहता है इसको जो अटैक किया गया बाई मॉब इन दी खाइबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और इसको क्लेम किया हुआ है कि जमत उलेमा ए इस्लाम के द्वारा इस अटैक को किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो जमत उलेमा ए इस्लाम ये जो रेडिकल ग्रुप है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। जैसे हाउटीज आपको यमन में देखने को मिलते हैं, बोको हराम नाइजीरिया में देखने को मिलते हैं। तो दूसरी बार ये जो अटैक हो चुका है, इससे पहले 1997 भी जो है इस हिंदू टेम्पल के ऊपर जो अटैक हुआ था। और डॉन न्यूज एक काफी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़पेपर जो आपका पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए 2018 की न्यूज कटलेट है,
हिंदुस्तान टाइम्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो हमारे कोविंद जी हैं, इन्होंने विजिट किया हुआ है हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन वियतनाम। तो माई सन टेम्पल जो है आपको जो है वियतनाम में जो देखने को मिलेंगे। तो इनको जो है मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले वियतनाम के ऊपर जो हम नजर डालेंगे, जहां पर हमें माई सन टेम्पल जो देखने को मिलेंगे। तो ये जो है हमारी धरती और दिस इज अवर लविंग इंडिया। और अगर यहाँ से हम ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमें साउथ चाइना सी के साथ मिलेगा वियतनाम। वियतनाम जो अपना बॉर्डर शेयर करेगा कंबोडिया के साथ, लाओस के साथ और चाइना के साथ। ये रहा साउथ चाइना सी। और अगर वियतनाम में हम अगर जूम करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा माई सन टेम्पल। इस तरह से ये डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं यहां पर, ये आपको यहां पर इस तरह से देखने को मिलेंगे। अब जो है कर्क टेम्पल को भी देख लेते हैं। देखिए इंडिया, इंडिया के वेस्ट में आपको मिलेगा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। और अगर यहां, अगर हम यहां पर जो है कर्क के ऊपर जो जूम करें तो कर्क में हमें देखने को मिलेगा श्री परमहंस दयाल जी महाराज टेम्पल। और इसको जो दो बार जो है इसके ऊपर जो अटैक किया जा चुका है। पाकिस्तान से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स जो है ध्यान में रखना। पाकिस्तान जो है बॉर्डर शेयर करेगा ईरान के साथ। यहाँ पर आपको ये अफगानिस्तान देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो इंडिया देखने को मिलेगा। तो इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो है इसका जो बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है देखने को मिलेगा, मैं बार बार आपको उसके बारे में बताता रहता हूँ, दैट इज अ ग्वादर पोर्ट। इस तरह से जीवानी पोर्ट वगैरह, उर्मारा पोर्ट वगैरह, पश्चिमी पोर्ट वगैरह ये भी हैं, लेकिन ग्वादर पोर्ट जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है तो क्वेश्चन यहाँ से आने की जो संभावना है जो ज्यादा रहती है। ग्वादर पोर्ट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, बंदरबास पोर्ट आपको ईरान में देखने को मिलेगा, छाबार पोर्ट इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है भी आपको ईरान में देखने को मिलेगा। एंकोरवाट टेम्पल को भी जो मैप में देख लेते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत। और यहाँ से जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वियतनाम के साथ आपको कंट्री देखने को मिलेगी कंबोडिया, कंबोडिया बॉर्डर से केर गया वियतनाम, लाओस और थाईलैंड के साथ। और फ्नोफेन जो है इसकी कैपिटल रहेगी। और यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे एंकोरवाट टेम्पल। ये आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स। ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। क्वेश्चन कई बार ये भी आपसे पूछा जाता था किन स्टेट जो है बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगी। तो जे एंड के का आपको स्टेटस पता है आज की डेट में जो है ये यूटी है। और स्टेट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये थ्री स्टेट्स हैं और वन यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, ये बॉर्डर शेयर करेंगे हमारी इसके पाकिस्तान के साथ। और सर क्रीक यहाँ पर जो है एक जो है स्ट्रीम, आपको वाटर स्ट्रीम देखने को मिलेगी जिसके ऊपर जो है डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। देखिए आरएसएस जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक जो है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। हिस्ट्री में भी ये जो हमें देखने को मिलती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरएसएस कब इस्टेब्लिश हुई, इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो है इसमें मैंने आपसे पूछी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आरएसएस जो फाउंडेड हुई है 27 सितंबर 1925। बिल्कुल सही बात है, आरएसएस जो है 27 सितंबर 1925 को जो फाउंड हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो ठीक हो जाएगी, तो जहां पर बनी है उसको हम काट देंगे। आरएसएस जो है बैंड हुई थी वंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के दौरान, बिल्कुल सही बात है, इसको एक बार जो है बैन किया गया था। और तीन बार जो इसको जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद जो बैन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट टाइम जो इनको इसको जो है 1948 में जो है बैन किया गया था, जब जो है नथुराम गोडसे के द्वारा जो महात्मा गांधी जी का जो है एसोसिएशन जो है उनका जो है वध जो है इनके द्वारा जो है किया गया था। लेकिन आरएसएस ने ये बोला हुआ है, सॉरी नथुराम गोडसे ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने जो आरएसएस को 1946 में जो है छोड़ दिया था ओवर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, और इनके द्वारा महात्मा गांधी जी का जो आपको पता है मर्डर किया गया था। देन ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 to 77 इसको बैन लगा हुआ था। और थर्ड टाइम लगा हुआ था जब जो है बाबरी मस्जिद की जो डिमोलिशन जो हमें देखने को मिली थी 1992 में, उसके हेडक्वार्टर जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, आरएसएस के हेडक्वार्टर क्या न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे आपको। तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आरएसएस के हेडक्वार्टर जो है नागपुर में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, वन एंड टू ऑन आर करेक्ट। तो देखिए आरएसएस के करंट चीफ मोहन भागवत जी काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। इन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि हिंदू नेचर रहता है टू बी पैट्रियोटिक। और ये जो रिलीज कर रहे थे बुक मेकिंग ऑफ हिंदू पैट्रियट, पैट्रियट होता है देशभक्त, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी,
एंड हिंद स्वराज इसको ऑथर किया हुआ है जेके बजाज एंड एमडी श्रीनिवासन जी के द्वारा। तो आरएसएस से रिलेटेड ध्यान रखना है, 27 सितंबर 1925 को जो स्टेबल हुई है, बहुत बड़ी एक राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो मेंबरशिप अप टू 5 to 6 मिलियन 50 से 60 लाख के आसपास इसकी मेंबरशिप है और हेडक्वार्टर आपको इसको देखने को मिलेंगे नागपुर महाराष्ट्र में एट डॉक्टर हेडगिवार भवन संघ बिल्डिंग रोड नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन सामने देख सकते हैं, इसमें पूछा गया आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो आपको बताना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एक वॉचडॉग रहती है जो कि डील करती है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई ये जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेड 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7, बिल्कुल सही बात है G7 इनिशिएटिव की ओर से बनाया गया है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट इसमें बोली कि सिंस इस्टेब्लिशमेंट इसके स्थापन से लेके इट डील्स विद टू डिवेल पॉलिसीज टू कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब FATF जो है 1989 में फाउंड हुई थी तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है मनी लॉन्ड्रिंग से ही रिलेटेड डील करती थी, उसको ही टैकल करने से रिलेटेड जो डील करती थी। टेरर फाइनेंसिंग जो है इसमें जो है 2001 में जो है इस सब्जेक्ट को जो है डाला गया है। तो इसमें ये इसके सिंस इस्टेब्लिशमेंट से बात की गई है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि इसके इस्टेब्लिशमेंट के टाइम सिर्फ जो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए इसको बनाया गया था, टेरर फाइनेंसिंग उस टाइम नहीं थी। तो सेकंड स्टेटमेंट जो इसमें ये गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है। तो सेकंड जहां जहां आपको मिल रहा है ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, इट इज बाय एलिमिनेशन। इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे और दो कंट्री एकमात्र ऐसी है नॉर्थ कोरिया और ईरान जो आपको इसकी जो है ब्लैकलिस्ट में देखने को मिलेंगे। आई मीन का पार्डन, इसके हेडक्वार्टर आपको जो है पेरिस में देखने को मिलेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें गलत हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 4 ओनली इज करेक्ट। इसके हेडक्वार्टर जो है ध्यान रखना, इसके हेडक्वार्टर आपको जो है पेरिस में देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आप विकिपीडिया के कटलाइन देख सकते हैं, FATF जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में जो स्टेब्लिश हुई थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7 और इसमें डेवलप करनी होती है पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। 2001 में इसमें जो है टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी जो ऐड कर दिया गया था। इसके सो फार जो 39 जो मेंबर स्टेट्स है, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर स्टेट और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 1989 में जो स्टेब्लिश हुई है और पेरिस विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस में आपको जो इसको हेडक्वार्टर जो देखने को मिलेंगे। टेररिज्म के हिसाब से ये टू लिस्ट में कंट्री को डिवाइड करता है। तो 3 अगस्त 2020 की हम बात करें तो दो कंट्रीज के ब्लैक लिस्ट के में देखने को मिलेंगे आपको, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और ईरान की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी तेहरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट बंदर अब्बास एंड छावर पोर्ट आपको ईरान में देखने को मिलेंगे। और FATF की जो ग्रेट लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में 18 कंट्रीज है। देखिए ब्लैक लिस्ट में अगर कोई कंट्री चल जाती है तो उसको जो है IMF और वर्ल्ड बैंक से जो है फाइनेंशियल एड नहीं मिलती है और भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इनको जो फाइनेंशियल एड देना बंद कर देते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर आज के डेट में जो खतरा मंडराया हुआ है ब्लैक लिस्ट होने का, तो 18 कंट्रीज जो इसकी जो ग्रे लिस्ट में उसमें आपको देखने को मिलेगी अल्बेनिया, बहामास, बारबाडोस, बोस्वाना जो कि एक लैंड ओवर कंट्री है अफ्रीकन कंट्री, कंबोडिया, घाना, आइलैंड, जमैका, मॉरिशियस, मंगोलिया, म्यांमार, निकागारियो, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, उगांडा, यमन एंड जिम्बाब्वे। तो देखिए पाकिस्तान से न्यूज आ रही थी कि लश्कर ए तैयबा के जो लीडर हैं इनको जो है हेल्ड कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है अहेड ऑफ एफिडेविट मीट। तो इंडिया ने क्वेश्चन किया है सीरियसनेस ऑफ द एक्ट, तो इसमें इन्होंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि अरेस्ट की टाइम ये है क्योंकि अभी एक FATF की जो है मीटिंग जो होने वाली है, इससे पहले पहले जो है इन्होंने जो है जकर उल रहमान लखवी को जो है अरेस्ट कर लिया है जो कि मुंबई जो हमारे टेररिस्ट अटैक हुए थे 26/11 के, उसमें ये जो है मास्टरमाइंड इसके जो माने जाते हैं, कमांडर इसके मेन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। इसमें पूछा गया कि जो दीपोर व्हील रामसर साइट है ये आपको किस स्टेट में देखने को मिलेगी, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि बेटलैंड साइट है, रामसर साइट है, ये आपको आसाम में देखने को मिलेगी दीपोर व्हील रामसर साइट। और ये जो आसाम की एकमात्र जो है रामसर साइट है, देखिए द हिंदू की लेटेस्ट न्यूज है आसाम थ्रोज द लाइफ लाइन टू इट्स ओनली रामसर साइट, तो ओनली रामसर साइट इसकी आपको देखने को मिलेगी। और अथॉरिटीज ने यहाँ पर बैन कर दिया है कम्युनिटी फिशिंग को इन दीपोर वैली टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें बताया गया कि ये जो दीपोर पहले ये डेजिग्नेट हुई थी रामसर साइट इन 2002 और रामसर साइट्स जो है रामसर कन्वेंशन जो है 2 February 1971 में हुई थी और ये जो है रामसर साइट्स ये डिक्लेयर करते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और इनकी एक जो है मोटरेक्स रिकॉर्ड भी रहता है जिसमें जो है जो रामसर साइट जो कि एडवर्स क्लाइमेट इफेक्ट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज जो काफी ज्यादा अफेक्टेड है उनको डाला जाता है। चिलका लेक को पहले डाला गया था लेकिन बाद में रिमूव किया गया। सो फार लोकटक लेक जो आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी और किलिडाओ नेशनल पार्क जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा वो जो है मोंटेक्स रिकॉर्ड में हमें देखने को मिलते हैं रामसर कन्वेंशन के अंडर। आसाम को आप एक बार इंडियन मैप में जो देख लीजिए
यह है हमारा प्यारा भारत, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा असम, असम की कैपिटल है गुवाहाटी, सॉरी असम की कैपिटल है दिसपुर, और ये बॉर्डर शेयर करेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय कैपिटल आपको देखने को मिलेंगे शिलोंग, और साथ में यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और टू कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करेगा भूटान और बांग्लादेश के साथ। और आसाम से रिलेटेड एक बात ध्यान रखना, आसाम ना ही म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करेगा ना ही चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। आसाम का ये जो है आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का मैप देख सकते हैं, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, औरंग नेशनल पार्क, लखोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है, होलंगापुर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू शिकोरा नेशनल पार्क, ये सारे सारे आपको सामने देखने को मिलेगा, और कैपिटल इज दिसपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो कि न्यूज में है ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो फोर्डो हो गया, अरक हो गया और नंटाज हो गया, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। ये जो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है प्लांट्स रहते हैं हमारे ईरान के, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हैं, ईरान प्लान्स टू इनरिच यूरेनियम टू सेट अप 20% प्योरिटी सेज आईएई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब ये होता है, देखिए यूरेनियम आपको जो जो यूरेनियम 238 इसका आइसोटेप आपको देखने को मिलेगा, जबकि जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें यूरेनियम 235 हमें जो चाहिए होता है, तो इसकी इनरिचमेंट हमें करनी पड़ती है। तो जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है इसको भी आप ध्यान रखना, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये ईरान न्यूक्लियर डील है, इसको हम वीना अकॉर्ड भी बोलते हैं क्योंकि वीना में 2015 में हुई थी। इसमें जो है परमानेंट मेंबर जो रहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका, चाइना एंड ब्रिटेन, प्लस जर्मनी, प्लस ईयू के द्वारा ये जिसको साइन किया गया था। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 3.67% की इनरिचमेंट करने की जो है अलाउ किया गया था ईरान को, लेकिन ईरान ने जो रिसेंटली इन्फॉर्म किया हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि ये जो है चाहते हैं टू इनरिच इस यूरेनियम टू 20% प्योरिटी, जो कि काफी ज्यादा रहता है 215 की वीना अकॉर्ड से। और ये आप ध्यान रखना, फोर्डो हो गया, नंटाज हो गया और अरक हो गया, दीज आर दी न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट्स ऑफ ईरान। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी जो बोला जाता है। और ये जो वीना में जो 14 जुलाई 2015 को जो साइन हुई थी, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, प्लस जर्मनी, प्लस ईयू के द्वारा इसको जो साइन किया गया था, और इंप्लीमेंटेशन को से शुरू हो गया, लेकिन मई 2018 में इससे जो है यूएसए ने जो है विड्रॉ कर लिया है। और देखिए आप यहाँ देखते हैं अंडर दी जेसीपीओ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है ईरान को सिर्फ और सिर्फ 3.67% इनिचमेंट की इजाजत दी गई थी, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, और 8 मई 2018 को जो है ट्रंप जो रहते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट ने विड्रॉल कर लिया था, ये बाहर निकल गए थे जेसीपीओ से। तो ये आप जो अभी की बढ़िया की कंटेंट देखते हैं, आईएई से रिलेटेड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्स करती है टू प्रमोट दी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनविट इनविट होता है रोकना यूज ऑफ एनी मिलिट्री पर्पज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स, और ये स्टेब्लिश हुई थी 29 जुलाई 1947, और इसके हेडक्वार्टर आपको वीना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेंगे, 172 इसके जो मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। राफेल मरियानो ग्रोसी जी जो है इसके डायरेक्टर जनरल है। ईरान को जो है वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं, ये रही हमारी धरती और दिस इज अवर लविंग इंडिया, और यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इंडिया से हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान में, और इसी तरह वेस्ट की तरफ हम और जाएं तो यहाँ पर ईरान, ईरान देखिए बॉर्डर शेयर करेगा पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया के साथ, टर्की के साथ और इराक के साथ, सीरिया के साथ इसका कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, पर्शियन गल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गुल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गुल्फ को ये टच करेगा, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान को जो कनेक्ट करेगी। ईरान की कैपिटल रहेगी तेहरान, बंदरबास पोर्ट हो गया काफी न्यूज में रहते हैं, और यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा छाबार पोर्ट जो कि इंडिया डेवलप कर रहे हैं। और ये जो ऑल्सो जो बॉर्डर शेयर करेगा कैस्पियन सी के साथ, कैस्पियन सी के साथ आप देखना ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया एंड दिस इज अजरबैजान, ये इसके साथ बॉर्डर शेयर करेंगे, अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। और कैस्पियन सी जो है सबसे बड़ी लेक है ये, इन एक्चुअल सेंस में ये जो है लेक है ये सी नहीं है, इसलिए कजाकिस्तान जो है सब लार्जेस्ट जो है लैंड लॉक्ड कंट्री जो है सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो है कजाकिस्तान, इसलिए जो है रहती है। और कजाकिस्तान की कैपिटल जो है रिसेंटली उन्होंने जो है अपनी कैपिटल का नाम जो है फर्स्ट अपने प्रेसिडेंट के नाम पर जो नूर सुल्तान के नाम पर जो अपनी कैपिटल का नाम जो है रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे जो है ट्रांसफैट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है।
तो देखिए फर्स्ट एडमिशन में देखिए कि ट्रांस फैट्स नॉट ओनली रेज द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बट ऑल्सो रिड्यूस द गुड कोलेस्ट्रॉल विच प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द हार्ट डिजीज। बिल्कुल सही बात है, ट्रांस फैट्स जो है आपको नेचुरली अकरिंग भी मिलेंगे और आर्टिफिशियली भी जो इनको बनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ ने कोल्ड कर दिया हुआ है फॉर टोटल एलिमिनेशन, पूरी तरह से हम जो एलिमिनेट कर देना है टीएफए को, ट्रांस फैट्स को इन ग्लोबल फूड सप्लाई चेंज बाय 2023। बिल्कुल सही बात है। एफएसआई ने कैप्ट किया हुआ है अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स एसिड्स इन ऑयल एंड फैट्स 2-3%, ये भी बिल्कुल सही बात है। फॉर 2021 के लिए जो 3% इन्होंने रखा हुआ है और 2% जो है 2022 के लिए। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ट्रांस फैट्स। न्यूज में था ये, एफएसआई ने जो है कम कर दी थी लिमिट ऑफ ट्रांस फैट्स लेवल्स, और इसमें बताया गया है कि 2021 के लिए 3% रखी गई है ऑयल में और 2% 2022 तक। पहले ये 5% थी, इसको उठा के 3% किया गया। और एफएसएसआई जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि वर्क्स करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और डब्ल्यूएचओ का पता नहीं एक जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 7 अप्रैल 1948 को जो है एस्टैब्लिश हुई है, और हेडक्वार्टर आपको डब्ल्यूएचओ देखने को मिलेंगे जिनेवा में। रिस्पॉन्सिबल रहता है टू फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एंड डब्ल्यूएचओ इज ऑल्सो स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन। तो ट्रांस फैट्स का आपने ध्यान में रखना है, ये जो है नेचुरली अकरिंग भी होते हैं इन द गट ऑफ सम एनिमल्स, और कुछ एक आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स भी होते हैं, और इनको जो अनसैचुरेटेड जो हम जो है फैट्स जो इनको बोलते हैं। अब देखिए रिस्क क्या क्या होते हैं इनसे, देखिए तो हर्ट डिजीज होते हैं होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड रहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स के मुकाबले इनसे हर्ट डिजीज होने के चांसेस जो ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर फोर्टल डेवलपमेंट भी ये प्रॉब्लम करते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ये करते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम इनसे होती है, एब्डोमिनल फैट इनसे होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ये करते हैं, ग्रेटर रिस्क जो है डायबिटिक पेशेंट्स को ये करते हैं, इनफर्टिलिटी इन वुमेन, और डिप्रेशन वगैरह भी इनसे जो होता है, और इरिटेशन वगैरह भी जो हमें जो इसमें जो देखने को मिलती है, और एग्रेशन भी जो है इंडिविजुअल में जो है बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें बोला गया कि थर्ड ईयर पैरेलल इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, थर्ड ईयर पैरेलल जो आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बॉर्डर लाइन देखने को मिलेगी, और 49th पैरेलल जो आपको जो है कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर लाइन देखने को मिलेगी, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नेम्ड एज द लेक ऑफ फ्लावर्स, तो ये इसको जो डल लेक को जो बोला जाता है जो श्रीनगर में देखने को मिलती है, काफी ज्यादा न्यूज में जो डल लेक रहती है इसलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो डल लेक आपने जाना ना, डल लेक जो श्रीनगर में रहती है, श्रीनगर जो समर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर की, इसको जो है लेक ऑफ फ्लावर भी जो बोला जाता है, और श्रीनगर ज्वेल्स भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर जो जनरली अपनी हाउसिंग बोर्ड्स के लिए जो काफी ज्यादा फेमस ये डल लेक रहती है, और डल लेक के साथ में आपको जो मुगल ईरा के गार्डन जो देखने को मिलेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट जो मुगल गार्डन रहते हैं शालीमर बाग एंड निशाहत बाग जो कि बिल्ड किए गए थे ड्यूरिंग द मुगल एम्परर जहांगीर। तो देखिए न्यूज में इसलिए थी, एक फोटो जो है द हिंदू ने डाला था, और इसमें बताया गया था कि बोटमैन जो क्लीनिंग कर रहे हैं स्नो ऑन दी शिखराज ऑफ द डल लेक आफ्टर हैवी स्नोफॉल इन श्रीनगर ऑन मंडे। तो ये न्यूज आई हुई थी इस तरह से, तो हाउसिंग बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस जो है डल लेक हमें जो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड जो आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूट 1993 को, तो देखिए एनएचआरसी जो है स्टैचुरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश हुई है बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो जहां जहां पर वन है उसको हम काट सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोली गई कि एनएचआरसी जो कंसिस्ट होती है चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स एक्सक्लूडिंग किया जाता है इसमें एक्स ऑफिशो मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। हेडक्वार्टर जो मुंबई में मिलेंगे, बिल्कुल गलत बात है, हेडक्वार्टर आपको इसके जो है न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, न्यू दिल्ली में जो हेडक्वार्टर जो एनएचआरसी के रहते हैं। तो ओनली 2 इज करेक्ट, तो 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन में कहीं पर भी 2 ओनली नहीं है, थोड़ा गलती क्वेश्चन फ्रेम हो गया था, 2 ओनली इज करेक्ट। या विकिपीडिया की जो है कटलैंड देख सकते हैं, एनएसएससी जो एक स्टैचुरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूट 12 अक्टूबर 1993 को अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑर्डिनेंस 28/7/1993, और इसके हेडक्वार्टर आपको जो है न्यू दिल्ली में जो देखने को मिलेंगे। सो फार इन प्रेजेंट इसका कोई भी चेयरमैन नहीं है, एचएल दत्तू साहब जो है दिसंबर में जो रिटायर हो गए हैं, और 12 अक्टूबर 1993 को ये एस्टेब्लिश हुई है। अब इंपॉर्टेंट रहता है इसके फंक्शन क्या क्या रहते हैं एनएचआरसी के, तो देखिए ये जो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो डील करता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नेगलिजेंस सच वायलेंस बाय पब्लिक सर्वेंट्स, और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की फील्ड में जो है वर्क करेगा और रिकमेंड्स करेगा मेजर फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। ये रिव्यू करेंगे फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म जो कि इनविट रोकते हैं एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट मेजर्स, ये जो है रीड करेंगे और सर्च करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज के ऊपर जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो वर्क करती है, और रिकमेंड्स करेंगे मेजर उनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए। ये प्रमोट करेंगे ह्यूमन राइट लिटरेसी को अमंग द सिटीजंस, अंडरटेकन एंड प्रमोट करेंगे सर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जेल भी विजिट करते हैं, वहां पर ये जो है कैदियों की जो है कंडीशन को चेक करते हैं, और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में भी जो इंगेज होते हैं, और ये एनजीओस को भी जो है इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो जो इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वर्क कर सकें, और नेसेसरी करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी को जो ये जो है अपने पास जो मुकवा सकते हैं, जब ये कोर्ट और ऑफिस की तरह किसी भी कोर्ट और ऑफिस की कॉपी को ये जो अपने पास जो है मुकवा सकते हैं या मांग सकते हैं।
कंपोजिशन अगर बात करें तो उसमें चेयरमैन और फोर अदर मेंबर होंगे, एक्स ऑफिसो मेंबर्स। एक्स ऑफिसो का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट जो है, आप जो हमारी कंट्री के बन जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपको वहां पर नियुक्त करने की जरूरत नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली जो है चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के। तो ये जो ऑटोमेटिकली किसी पोस्ट के पर होने पर आपको कोई और पोस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाती है, उसको बोलते हैं एक्स ऑफिसो। तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उसी प्रकार एक्स ऑफिसो मेंबर इसके कुछ होंगे। जैसे आप जो है, जैसे आप मान लीजिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के आप जो है चेयरमैन बन जाते हैं, तो आपको जो है मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है एनएचआरसी की, आप एक्स ऑफिसो होंगे। तो चेयरमैन जो है आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होना चाहिए, और मेंबर्स में एटलीस्ट वन वुमेन जो है इसमें जो अपॉइंटेड होनी चाहिए। और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, जो कि आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, जो कि आर्टिकल 338 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जो कि एक स्टैचुरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अगेन एक स्टैचुरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि अंडर द आर्टिकल 338 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स अगेन स्टैचुरी बॉडी है, और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये जो इसके एक्स ऑफिसो जो है मेंबर्स रहेंगे। सिटिंग जज जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सिटिंग चीफ जस्टिस जो रहते हैं यानी हाई कोर्ट के, वो भी जो अपॉइंटेड हो सकते हैं ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो है इन प्रेजेंट जो 34 जजेस जो है कर दिए गए हैं, और शरद अरविंद बोबड़े साहब जो है हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है इंडिया के हैं। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि भारत जो है सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ जो शेयर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। न्यूज में इसलिए क्योंकि इस बार जो बांग्लादेश के सोल्जर्स भी जो है हमें रिपब्लिक डे परेड में जो है मार्च करते हुए देखेंगे, क्योंकि ये जो 15th एनिवर्सरी जो अपने 1971 लिबरेशन बार की जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है बांग्लादेश कौन हुआ था 1971 में, कैपिटल आपको देखने को मिली ढाका। तो ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ हमारे पास बॉर्डर है 4096 किलोमीटर का, बीएसएफ इसको जो है जनरली जो है गार्ड करती है, भूटान के साथ है 578 किलोमीटर का, एसएसबी यहाँ पर आपको गार्ड करती हुई देखने को मिलेगी, चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर का, यहाँ पर आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आपको देखने को मिलेगी, म्यांमार के साथ है 1458 किलोमीटर का, और असम राइफल इंडियन आर्मी, नेपाल के साथ है 1752 किलोमीटर का बॉर्डर एसएसबी, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर रहता है 3310 किलोमीटर का बीएसएफ, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बीएसएफ। ये आप हमारे लविंग इंडिया का जो मैप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो बांग्लादेश की तरफ जाएं, ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश, कैपिटल आपको देखने को मिलेगी इसकी ढाका। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश देखिए यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल के साथ इसकी जो है कोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है एक म्यांमार के साथ शेयर करेगा, एक इंडिया के साथ शेयर करेगा, इंडिया में वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आपको मेघालय, आसाम एंड त्रिपुरा और मिजोरम, इनके साथ इसका जो आपको जो है इंटरनेशनल बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल के साथ आपको इसका जो है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्स द इंडियन आर्कटिक एक्सपीडिशन। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आर्कटिक एक्सपीडिशन है चाहे अंटार्कटिक एक्सपीडिशन है, इसको जो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो एडमिनिस्टर जो है इसको करता है। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगी हमारी धरती, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको नॉर्थ पोल, यहाँ पर देखने को मिलेगा साउथ पोल, यहाँ पर है साउथ पोल और यहाँ पर है नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के साथ में आपको देखने को मिलेगी आर्कटिक ओशियन, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका साउथ पोल के साथ। तो ये हमारी धरती, दिस इज अवर लविंग इंडिया, और इंडिया से जब हम साउथ की तरफ जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज लोकेटेड ऑन 62/1/2 डिग्री साउथ, यहाँ पर देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में हमारे जो है मैत्री और भारती जो है टू सर्च स्टेशन हमें देखने को मिलेंगे, दक्षिण गंगोत्री से पहले था लेकिन वो आज के डेट में बंद हो गया है, तो दो जो रहते हैं मैत्री और भारती यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और नेशनल सेंटर फॉर ओशियन एंड पोलर रिसर्च जो है इन सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करेगा। अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं, देखिए इंडिया से हम नॉर्थ की तरफ जाएं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक ओशियन। तो इंडिया की जो आर्कटिक जो एक्सपीडिशन है उसको भी जो है नेशनल सेंटर फॉर ओशियन एंड पोलर रिसर्च जो है संभालता है उसको। और देखिए एक आर्कटिक जो है काउंसिल रहती है, उसके 8 मेंबर में देखने को मिलेंगे, वन इज रशिया, सेकंड वन इज फिनलैंड, थर्ड वन इज स्वीडन, फोर्थ वन इज नॉर्वे, फिफ्थ वन इज आयरलैंड, सिक्स्थ वन इज डेनमार्क, सेवंथ वन इज यूएसए, और हेडक्वार्टर आपको इसको जो ओटावा में जो है देखने को मिलेगा, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो ध्यान रखना आर्कटिक काउंसिल एक हमारी रहती है, इसमें आपके रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क और यूएस और कनाडा आपको जो देखने को मिलेंगे। देखिए न्यूज में इसलिए थी, दा हिंदू में न्यूज आई, इंडियाज आर्कटिक एक्सपीडिशन टू रिज्यूम इन जून। तो देखिए इसमें बोला गया कि आफ्टर गैप ऑफ ड्यू टू कोविड-19 इंडियाज एनुअल जो एक्सपेडिशन रहती है आर्कटिक की, वो जो रिज्यूम हो जाएगी जून दिस ईयर। ये जो हमें स्टेटमेंट दी ऑफिशियल जो थे एम रविचंद्रन, जो कि डायरेक्टर हैं, देखिए ध्यान रखना डायरेक्टर भी के नाम भी आपसे पूछा था, एम रविचंद्रन साहब जी जो कि डायरेक्टर है हमारे
नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इनके द्वारा ये जो है जानकारी दी गई। और देखिए इसरो वगैरह मैंने ऑप्शन डाले होते तो इसरो से रिलेटेड हम ध्यान रखा, इसरो स्टेब्लिश हुआ 15 अगस्त 1969 को, और हमारी जो एक स्पेस एजेंसी जो है इसरो जो हमें देखने को मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर जो है वर्क करेगी। और विक्रम साराभाई जी जो है इसके जो फाउंडर मेंबर रहते हैं, इसलिए विक्रम साराभाई जी को जो है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है। और बेंगलोर कर्नाटक में आपको इसको हेडक्वार्टर जो देखने को मिलेंगे। और के सिवान साहब जिनका जो है कैलाश वासु वैदि वो सिवान जो है इनका नाम रहता है, के सिवान साहब इसको जो मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेटिक सर्विसेज। तो देखिए ये जो इंडियन नेशनल सेंटर रहता है ओशियन इन्फॉर्मेटिक सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेटिक सर्विसेज के द्वारा रिसेंटली एक जो है डिजिटल ओशियन वेब प्लेटफॉर्म भी जो है इनके द्वारा जो लॉन्च किया गया है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रख लेना है। पिछले लेक्चर में हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो इंडियन नेशनल सेंटर जो रहता है ओशियन इन्फॉर्मेटिक सर्विस, ये भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा प्रगति नगर हैदराबाद में आपको इसका जो हेडक्वार्टर जो देखने को मिलेगा। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च आपने ध्यान रखना है, ये भी जो है एक इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन रहता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको वास्को डी गामा गोवा में देखने को मिलेगा। 25 मई 1998 और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर ये जो वर्क करेगा। और इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम एज वेल एज अंटार्कटिक रिसर्च भारतीय मैत्री को जो है ये जो है एडमिनिस्टर करेंगे, चेक करेंगे, और 25 मई 1998 को जो है एस्टेब्लिश हुए हैं। और डॉक्टर प्रेमचंद पांडे इसके फाउंडिंग जो है डायरेक्टर थे, और प्रेजेंट डायरेक्टर जो है डॉक्टर एम रविचंद्रन जी हैं। और डिफरेंट फील्ड जहां पर वर्क करेंगे, स्टोरिंग आइस कोर सैंपल्स अंटार्कटिका एंड हिमालय, ऑपरेटिंग हिमाद्री, और इंडियन आर्कटिक रिसर्च स्टेशन जो रहते हैं स्वालबार्ड नॉर्वे में उनको ये एडमिनिस्टर करेंगे। मैनेजिंग द ओशियन रिसर्च वेसल ओआरबी सागर कन्या फ्लैगशिप इंडिया फ्लीट ऑफ ओशियोग्राफिक स्टडीज वेसल्स, तो इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना। एक बात आप ध्यान रखना, अंटार्कटिका और आर्कटिक से रिलेटेड जो भी हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी हमारे रिसर्च ऑपरेशन होते हैं, उनको जो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो मैनेज करता है, इसका हेडक्वार्टर वास्को डी गामा में देखने को मिलेगा। एम रविचंद्र साहब इसके चेयरमैन है, और 25 मई 1998 को ये जो एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स जो है कितनी बार जो इंडिया जो इलेक्टेड हो चुका है टू द यूएनएससी एज इट्स नॉन परमानेंट मेंबर। देखिए जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके देखिए 5 परमानेंट मेंबर्स होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 इसमें परमानेंट मेंबर्स होंगे और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है होंगे। अब 5 तो परमानेंट है, ये तो हमेशा ही रहेंगे, इसमें आपके पास फ्रांस आएगा, रशिया आएगा, अमेरिका आएगा, चाइना आएगा और यूके दैट इज ब्रिटेन। ये जो वर्ल्ड वार सेकंड के जो विक्टोरियस कंट्रीज थी, और तब करके इनको जो यूनाइटेड नेशन काउंसिल का जो है पर मेंबर बनाया गया, इनके पास वीटो पावर जो रहती है, अगर ये किसी चीज को वीटो कर देते हैं तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होती है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है रहेंगे, इसमें 5 मेंबर जो है हर साल जो है इलेक्टेड होते हैं फॉर 2 ईयर्स टर्म्स, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इनको जो इलेक्ट किया जाता है नॉन परमानेंट मेंबर्स को। और इंडिया जो है रिसेंटली जो इलेक्ट हो गया है 2021 जनवरी 2021 से जो है इंडिया जो इलेक्ट हो गया 2 ईयर टर्म्स के लिए, और इंडिया का ये जो 8th टेन्योर रहेगा एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ध्यान रख लेना आप कि 3/5 देखिए टोटल मेंबर्स हो गए, 5 + 10 कितने हो गए 15, तो कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास करनी है तो 3/5 के द्वारा जो सपोर्ट होनी चाहिए, तो 3/5 का मतलब हो जाता है आपका 9 मेंबर्स के द्वारा एटलीस्ट वो सपोर्ट होनी चाहिए, ये जो 15 मेंबर्स हैं। लेकिन इसमें एक खास बात ये रहती है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर है अगर इसको वीटो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है रेजोल्यूशन जो है पास नहीं होगी, प्रपोजल पास नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स रहते हैं यूनाइटेड नेशन के, और ये चार्ज रहते हैं इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और ये रिकमेंड करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू यूएन मेंबर्स टू द जनरल असेंबली, और अप्रूव करते हैं एनी चेंजेस टू द यूएन चार्टर, और इनकी पावर्स में इंक्लूड होता है जैसे पीस कीपिंग ऑपरेशंस है, इंटरनेशनल सेक्शन लगानी है, मिलिट्री एक्शन किसी को ऑथराइज करना है, ये यूनाइटेड नेशन काउंसिल की पावर है। और यूएनएससी जो ओनली यूएन बॉडी है विद अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशन, बाइंडिंग रेजोल्यूशन मेंबर स्टेट्स को इशू कर सकते हैं। और ये जनरली जो है देखिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशन जो है हमारा लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है, तो लीग ऑफ नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल उसके तौर पर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो ब्रिटिश कंट्री हुई उनको जो इसमें जो है लीग ऑफ नेशन में जो शामिल किया गया 24 अक्टूबर 1945 को ये जो एस्टेब्लिश हुई है। थोड़ी सी और जानकारी हम देख लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट करेगी 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट होंगे जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस जो 5 परमानेंट मेंबर्स होंगे। और देखिए 1965 में जो है 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स को की जो स्ट्रेंथ जो है कर दी गई थी, पहले जो है ये जो है 6 ही होते थे लेकिन बाद में 1965 में 10 कर दिए गए थे। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर अ 2 ईयर्स टर्म, और स्टार्ट होती है जनरली 1 जनवरी से, विद 5 जो है रिप्लेस करेंगे हर साल, मतलब हर साल 5 जो है चेंज होते रहेंगे। और कोई भी कैंडिडेट जिसने जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको 2/3 वोट जो है पूरे पढ़ने चाहिए आपके जनरल असेंबली के। और इंडिया जो है यूएनएससी का जो है मेंबर बन गया अलॉन्ग विद नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड एंड मेक्सिको फ्रॉम जनवरी 2021, और इंडिया जो है यूएनएससी का प्रेसिडेंट भी रहेगा अगस्त 2021 में, और
अगेन फॉर 2022 में भी प्रेजिडेंट इंडिया रहेंगे एक मंथ के लिए। ये मंथ अभी तक डिसाइड नहीं है, ये डिसाइड होगा जल्दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर। ये जो है जल्दी जो है मेंबर स्टेट्स को जो है इसमें जो है प्रेजिडेंट बनाया जाता है। और ध्यान रखना जो फ्लैग इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो रिसेंटली हुई, ये जो है एक कन्वेंशन जो है कजाकिस्तान के द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी और इसको जो इंडोर्स्ड किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ध्यान रखना जो फ्लैग इंस्टॉलेशन सेरेमनी है इसकी कन्वेंशन जो है कजाकिस्तान के द्वारा 2018 से जो है इसको जो है यूएनएससी में जो है शुरू किया गया था। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि किस देश ने रिसेंटली जो है डेथ पेनल्टी को जो अबॉलिश कर दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें कजाकिस्तान ने जो है रिसेंटली जो है डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है। ये हम न्यूज दे सकते हैं दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इसमें बोला गया कि कजाकिस्तान ने जो है रेटिफाइज कर दिया इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू अबॉलिश डेथ पेनल्टी। कजाकिस्तान को जो मैप देख लेते हैं, दिस इज द वर्ल्ड मैप और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज अवर लविंग इंडिया। और यहां से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी कंट्री जो है देखने को मिलेगी, दैट इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और कैपिटल रही इसकी नूर सुल्तान। और अरल सील्स आप ध्यान रखना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आपको अरल सील्स भी देखने को मिलेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर जो जूम कर दूं तो दिस इज अरल सी और अरल सी हमें देखने को मिलेंगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, कजाकिस्तान रिसेंटली जो है डेथ पेनल्टी को जो अबॉलिश कर दिया हुआ है और कजाकिस्तान बॉर्डर शेयर करेगा उज्बेकिस्तान के साथ। कैपिटल रहेगी ताशकंद, फिर किर्गिस्तान और इसका एक छोटा सा बॉर्डर जो चाइना के साथ भी रहेगा, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे और कैस्पियन सी के साथ भी ये जो बॉर्डर एक जो शेयर करेंगे और नीचे तुर्कमेनिस्तान के साथ भी इसका आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा गया कि जो एशियन वाटर बर्ड सेंसिस है जो कि सेंट्रल न्यूज में थी, ये किसके द्वारा जो कंडक्ट की जा रही है। तो ये जो है बॉम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा जो है एशियन वाटर बर्ड सेंसिस जो कंडक्ट की जा रही है। ये आप देख सकते हैं द हिंदू में न्यूज, इसमें वो लगे कि टू डे एशियन वाटर बर्ड सेंसिस जो है स्टार्ट हो गई है और ये अंडर द एजिस ऑफ बॉम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अंडर इसको कंडक्ट किया जा रहा है और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो इसकी शुरुआत की गई है। और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में। बॉम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है एक फाइंड 1983 में एक जो है एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंगेज है इन द कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी रिसर्च और ये सपोर्ट करती है मेनी रिसर्च एफर्ट थ्रू इस ग्रांट पब्लिश जर्नल ऑफ द मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पब्लिश करेगी। और प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट इंक्लूडिंग दी ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं जो कि वर्ड्स वगैरह के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, स्लीम अली और एस डिलोन रिप्ले जो इसके साथ जो एसोसिएटेड है। और सोसाइटी जो है कॉमनली नोन ऑफ दी नेशनल बी एन एच एस और मुंबई में जो आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। IUCN के बारे में देख लीजिए, IUCN जो है एक जो है इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है फॉर दी नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और रेड लिस्ट जो है ये निकालते हैं ऑफ दी थ्रेडन स्पीसीज फाउंड विद दी 5 अक्टूबर 1948 और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1916 में जो है इस्टेब्लिश हुआ है 1 जुलाई 1916 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इसके हेडक्वार्टर आपको जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 1861 में जो है इस्टेब्लिश हुआ है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो वर्क करेगा। और एलेक्जेंडर चुनिंगम जो इसके जो फर्स्ट जो है डायरेक्टर जनरल थे। हेडक्वार्टर ASI के आपको जो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लीजिए, ये जो है आपको जो है आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। इस तरह से आप इसका मैप देख सकते हैं, एक एस्चुरी रहती है जहाँ पर जो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर जहाँ पर मिलते हैं उसको हम एस्चुरी बोल देते हैं, या जहाँ पर जो है लेक जो है सी के साथ मिलती है तो उस वाटर कन्फ्लुएंस को हम जो एस्चुरी बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया कि जो ग्रैंड रेनेसेंस डैम है, तो ग्रैंड रेनेसेंस डैम जो रहता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो रहता है ये न्यूज में रिसेंटली ये लोकेटेड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट इससे रिलेटेड जो है अफ्रीकन कंट्री से पड़ा हुआ है, ये जो इथोपिया में जो है लोकेट रहता है ग्रैंड रेनेसेंस डैम। ये आप इंडियन एक्सप्रेस का एक फाइल फोटो जो है ग्रेट रेनेसेंस डैम का जो देख सकते हैं। इसको जो है नील रिवर के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इथोपिया में ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम जो है हमें जो है देखने को मिलता है। नील रिवर का आप ध्यान रखना है, नील रिवर इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। व्हाइट नील आपकी निकलेगी लेक एल्बर्ट से और ब्लू नील निकलती है आपकी लेक टाना से और दोनों मिल जाएगी घाटों के पास, विच इज द कैपिटल ऑफ
सुडान, और यहां से होते हुए नॉर्थ नॉर्थ की डायरेक्शन में ये फ्लो करेगी, ध्यान रखना दिस इज अ नॉर्थन फ्लोइंग रिवर, और मेडिटेरेनियन सी में जो है लास्ट ये जो है मिल जाएगी। और इथोपिया में जो ब्लू नील जो रहती है इसके ऊपर ये ग्रेट रेनेसा डैम जो है ये बना रहे हैं, और ये देखिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर रहता है इसलिए इसका डिस्प्यूट जो है पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सहायक एनजी से रिलेटेड जो आपसे जो है स्टेटमेंट जो पूछी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सहायक एनजी। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली होता है स्वदेशी, हमारी कंट्री में इसको जो डिजाइन और डेवलप किया गया, और ये जो एक एयर ड्रॉप ये जो कंटेनर रहेगा, बिल्कुल सही बात है, सहायक एनजी जो एक एयर ड्रॉप कंटेनर रहेगा, इसको जो है एयर से ड्रॉप किया जाएगा पैराशूट के साथ, फिर ये सी में जो है आपके जो है इसको जो है सी से फिर जो है नेवी के द्वारा इसको पिकअप किया जाएगा, जनरली ये फ्यूलिंग वगैरह या कोई इमरजेंसी कोई एड चाहिए होगी उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। इसको डिजाइन किया गया डीआरडीओ के द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है, और ये जो जीपीएस इनेबल्ड आपका रहेगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ ये जो इनेबल्ड रहेगा, तो ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो राइट आंसर इज डी। तो ये आप पीआईबी का कटर देखते हैं, देखिए इस तरह का एक कंटेनर होगा और इस तरह पैराशूट से ये जो है पानी में गिरेगा और फिर इसको इस तरह से पिक किया जाएगा नेवी के द्वारा, तो ये इसको जो है डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, और इन्होंने जो इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है सहायक एनजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि आकाश जो आकाश देखिए आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल जो है आकाश में देखने को मिलती है, उस तरह ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस जो है हमें ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब है पहले ये इस तरह से जाएंगी फिर 90 डिग्री के ऊपर घूम के इस तरह से अटैक करेगी, बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो इस तरह से जो है पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी हमारी बनाती है, जैसे अग्नि है, अग्नि आपको जो बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगी, अग्नि जो है सरफेस टू सरफेस है, ब्रह्मोस को हमने रशिया के साथ मिला मिलकर बनाया हुआ है, बराक मिसाइल बराक जो है हमारी हमने इसको इसराइल के साथ डेवलप किया है, आकाश मिसाइल रिसेंटली इसलिए इसलिए न्यूज में थी क्योंकि जो हमारा कैबिनेट इसने अप्रूव कर दिया कि अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मिसाइल आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। और देखिए ये जो है मीडियम रेंज सर्विस टू एयर मिसाइल ये रहती है, देखिए पीआईबी का लेटर 25 किलोमीटर की रेंज रहती है, 240 में ये आईएफ में इंडक्ट की गई थी और 250 में इंडियन आर्मी में। ब्रह्मोस का ध्यान रखना, ब्रह्मोस जो है एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया रशिया डेवलप की है, और बराक जो है अगेन बराक भी सर्फेस टू एयर मिसाइल रहेगी जिसको हमने जो है इसराइल के साथ जो डेवलप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट सेलिटी जो है फ्रेम किया गया न्यूज में था, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलिए दीज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, बिल्कुल सही बात है, जी एच टी सी के अंडर जो है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि 1000 हाउसेज जो ईच विल बी कंस्ट्रक्टेड होंगे एट 6 साइट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स, तो बिल्कुल सही बात है, 6 साइट्स जो रहेंगी 6 स्टेट्स के अक्रॉस, वहां पर जो है इन 1000 हाउस जो है हर एक साइड के ऊपर जो क्रिएट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, तो बहुत ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आप जो है हिंदुस्तान टाइम्स का एक जो है आर्टिकल देख सकते हैं, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो इन्वॉल्व करेगा कंस्ट्रक्ट 1000 हाउसेज ईच विद द लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी विद द ईयर यूजिंग न्यू एज अल्टरनेट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज मटेरियल्स एंड प्रोसेस इन इंडो इन देखिए इसमें इंदौर महाराष्ट्र सॉरी इंदौर मध्य प्रदेश जो कि क्लीनेस्ट सिटी हमारी कंटिन्यू बनी हुई है, राजकोट गुजरात चेन्नई तमिलनाडु रांची झारखंड अगरतला त्रिपुरा एंड लखनऊ यूपी। और देखिए ये जो है जो एम्बिशन रहता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कि हाउसिंग फॉर 2022 तक जो है हमने जो हाउसिंग प्रोवाइड करनी है सबको, उसका ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ये आप ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज देख सकते हैं, पीएम प्रोमिसेस हाउस फॉर ऑल सेज इट इज अ टाइम टू एंड मिजरीज टू द पुअर, तो पीएम मोदी जी द्वारा इस तरह से ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया, फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज अक्रॉस 6 स्टेट्स 6 साइट्स और हर एक जगह 1000 हाउसेज बनाए जाएंगे। और मोदी जी ने ऑल्सो अनाउंस किए विनर्स अंडर एफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेटर्स, तो देखिए जो आशा जो रहता है एफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेटर ये जो एक अवार्ड जिस तरह से दिए जाते हैं हाउसिंग सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर, और एक नवरत सॉरी एक नवरितीत एक जो है नवरतीत जो है एक इन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया जिसका एक्सपेंडेबल फॉर्म है न्यू एफोर्डेबल वैलिडिटी रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग, और ये जो है 54 इनोवेटिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को ये जो है सर्टिफिकेट जो है दिए जाएंगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि भूटान के साथ जो है कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं, तो वेस्ट बंगाल बिल्कुल शेयर करेगा, सिक्किम भी शेयर करेगा, अरुणाचल प्रदेश काफी दूर होगा ये शेयर नहीं करेगा, आसाम भी बॉर्डर जो है सॉरी आसाम जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, फिर उसके बाद यूपी भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, बिहार भी बॉर्डर शेयर नहीं करेगा भूटान के साथ, तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, आई मेक अ पार्टनर वेस्ट बंगाल के साथ भूटान के साथ जो बॉर्डर जो वेस्ट बंगाल भी शेयर करेगा, सिक्किम भी करेगा, अरुणाचल प्रदेश भी करेगा, आसाम का बॉर्डर भी जो हमें इसके साथ देखने को मिलेगा, यूपी और बिहार का बॉर्डर जो हमें इसके साथ जो देखने को नहीं मिलता है।
ये आप जो इंडिया का मैप देख सकते हैं, आपके लिए मैं जो इसको जूम कर लेता हूं, और ये आप देख सकते हैं भूटान, भूटान के साथ देखिए बॉर्डर शेयर करेगा सिक्किम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये फोर स्टेट जो है भूटान के साथ जो है बॉर्डर शेयर करेंगे। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और करेंसी ये नूरस्टडम यूज करेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना है, यूपी और बिहार का कोई बॉर्डर भूटान के साथ नहीं रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सप्लाई लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड अमिशन लेजर डेजलर्स फॉर द इंडियन नेवी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो ये आप न्यूज देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो है टू सप्लाई लेजर डेजलर टू इंडियन नेवी, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव किया गया है। लेजर डेजलर जो है यूज होते हैं एज अ नॉन लिथल मेथड फॉर वार्निंग एंड स्टॉपिंग सस्पिशियस व्हीकल। तो कोई भी व्हीकल वगैरह इस तरह आ रहे हैं उनको रोकने यूज होते हैं, इस तरह से ये लेजर डेजलर होंगे। और ये जो है पर्सन को जो है ब्लाइंड भी जो है करने की क्षमता जो है रखते हैं, तो नॉन लिथल जानलेवा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इस तरह से ये लेजर जो है प्रोड्यूस करेंगे जो कि सस्पिशियस व्हीकल्स या पर्सन को या पीरियड्स को रोकने की का जो ये जो काम करेंगे। तो ध्यान रखना, लेजर डेजलर से रिलेटेड जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो मिला हुआ है। HAL के बारे में देख लो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है एक इंडियन स्टेट ओन जो है एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी रहती है। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिश हुई है 1940 में एज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, और बाद में HAL होगी 1964 में, और आर माधवन इसके जो चेयरमैन है। जनरली ये एयरक्राफ्ट जेट इंजन हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो है और इनके स्पेयर पार्ट्स जो है बनाएगी। DRDO के बारे में जान लो, DRDO जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एजेंसी रहती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये जो वर्क करेगी। 1958 में जो ये एस्टेब्लिश हुई है, और मोटो आप इसका देख सकते हैं, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज, और सतीश रेड्डी साहब जो है इसके जो है आपके डायरेक्टर रहेंगे DRDO के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि ये जो सूल पानेश्वर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि न्यूज में थी रिसेंटली, ये किस स्टेट में हमें देखने को मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूल पानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमें जो है गुजरात में देखने को जो मिलती है। तो न्यूज में इसलिए थी क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है यहाँ की, इन्होंने अर्ग किया है PM को कि वो जो है विड्रॉ कर लें सेंटर नोटिफिकेशन क्लासिफाइंग 21 विलेजेस अराउंड दी सूल पानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन सामने देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है कब जो है हमारे तिरंगे झंडे को जो है पोर्ट ब्लेयर जो कि कैप्टन अंडमान निकोबार की यहाँ पर जो फहराया गया था। 13 दिसंबर देखिए समय दिया गया है, 1940 नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, जो है 13 दिसंबर 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है अनफ्लर किया गया था हमारे तिरंगे झंडे को पोर्ट ब्लेयर में। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मोदी जी ने ट्वीट किया हुआ है 30 दिसंबर 2020 को, 30 दिसंबर 1943 अ डे अटैच्ड इन द मेमोरी ऑफ एवरी इंडियन व्हेन द ब्रेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनफर्ड द ट्राइकलर एट पोर्ट ब्लेयर। तो ये डेट अपने आप में काफी जो है इंपॉर्टेंट जो है हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जान लीजिए, इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को जो है कटक बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था ब्रिटिश इंडिया के अंडर, प्रेजेंट डे आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। और इनकी मृत्यु जो है 8 अगस्त 1945 को हुई थी, और इनको जो है नेताजी का टाइटल जो है जर्मनी में मिला था बाय इंडियन सोल्जर ऑफ आजाद हिंद फौज। और बोस जो है क्रेडिट वेरी बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन जो है नारे इन्होंने दिया है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये नारा इनके द्वारा दिया गया है। जय हिंद का नारा इनके द्वारा दिया गया है। टाइमलाइन अगर कुछ देखें, 1990 में जो बोस जो है लंदन गए ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने को, और बाद में सिलेक्ट हो गए, लेकिन इन्होंने जो बाद में से रिजाइन दे दिया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। 1920 में जो है बोस ने वर्क किया अंडर दी चित्तरंजन दास, एक पावरफुल पॉलिटिशियन उसमें बंगाल के थे, और एडिटर ये जो है दास न्यूज़पेपर के बने। बाद में इन्होंने अपना न्यूज़पेपर जो स्वराज, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वराज वाज अ न्यूज़पेपर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। 1923 में जो है बोस जो इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, और सेक्रेटरी भी बनते हैं बंगाल स्टेट कांग्रेस के, और ऑल इंडिया बंगाल कांग्रेस भी इनके द्वारा जो एस्टेब्लिश की जाती है। फिर मिड 1930s के आसपास बोस जो यूरोप भी जाते हैं और यहाँ पर भी रिसर्च करते हैं, और इसके बाद बोस जो है दो बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, एक 1938 में इलेक्ट होंगे हरिपुर सेशन में, और दूसरा और स्वराज सेल्फ गवर्नेंस ये डिक्लेयर करते हैं, और दूसरा इलेक्टेड होते हैं 1939 बाय द त्रिपुरी सेशन। बाद में ये जो है रिजाइन कर देते हैं इससे, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक नई पार्टी का जो है ये एस्टेब्लिश करते हैं। 1943 में ये जो है जापान ट्रेवल करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनकी हेल्प लेने के लिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो है हिटलर से भी मिले थे, और ये जो है एक आजाद हिंद फौज की जो है एस्टेब्लिशमेंट जो करते हैं। 1945 में जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा जो है मणिपुर, कोहिमा और इम्फाल वगैरह जो है दोबारा से कैप्चर कर लिया जाता है जो कि जापान ने जो कैप्चर किए होते हैं। तो इसमें बोस जो है बाकी जो है मंचूरिया जो है चले जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं यहाँ से, और बाद में सोवियत यूनियन चले जाते हैं। लेकिन 1945 में जो इनका जो प्लेन क्रैश हो जाता है, और आज भी इसके रिलेटेड जो है
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है चली हुई रहती है। इनके मर्डर की अभी तक जो है सही पुष्टि नहीं हो पाई है, मिस्ट्री ये बनी हुई है। अब अपने प्यारे तिरंगे झंडे के बारे में जो है जान लीजिए, जो कि हमारी आन बान और शान है। तो नेशनल फ्लैग में जो 3:2 इसका जो है ऑर्डर रहेगा, पिनग्याली वेनकैया द्वारा इसको जो है डिजाइन किया गया है, और 22 जुलाई 1947 को जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको जो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल थोड़ा ट्रिकी है, इसमें पूछा गया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जो प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। देखिए रेगुलेशन ऑफ सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दी कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स एक्ट के अंदर करेंगे। सेल वगैरह से रिलेटेड जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोई काम नहीं होता है। ये जो है नए ड्रग्स के मैन्युफैक्चर उसके ऊपर सर्च उसको अप्रूवल देंगे। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई ड्रग है उसकी सेल कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उससे लेना देना जो है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया का नहीं होता है। तो जहां पर वन है उसको आप काट देंगे। अप्रूवल ऑफ लाइसेंस फॉर वैक्सीन, ये बिल्कुल सही बात है। लाइसेंस जो है अप्रूवल जो है लाइसेंस को देंगे वैक्सीन के लिए, तो टू ओनली इज करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स को जो है रेगुलेट करती है, जबकि हमारे जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स सच एज ब्लड ब्लड बल्स आईवी फ्लूइड वैक्सीन एंड सीरा। अब ये क्वेश्चन जो मैंने नवीरित 30 से जो है बनाया गया, इसमें बोला गया कि ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि लॉन्च किया गया रिसेंटली बाय दी इन विच ऑफ दी फॉलोइंग एकेडमिक फील्ड। तो देखिए हमने AIR की सेंट्रल पिछली प्रीवियस स्लाइड्स में जो न्यूज डिस्कस की, जिसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में हमने जो डिस्कस किया, उसमें ये जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम चला हुआ है इन दी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पहली बात मैं आपको बता दूं, आपने एक चीज जो हमेशा याद में रखनी है, जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसको RBI के द्वारा जो है बनाया गया है, RBI इसको जो है रिलीज करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोली गई कि NPCI के द्वारा इसको बनाया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो यही गलत हो जाएगी। तो जब आप इनोवेशन चलाएंगे तो सेकंड और थर्ड आपका जो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। जो DPI है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ही कैप्चर करेगा एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, और DPI हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद मार्च 2018 एज द बेस पीरियड जो इसका मार्च 2018 रहेगा। ये RBI की आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो ये जो है February 6, 2020 को जो इसको जो अनाउंस किया गया था, और इसमें देखिए 5 ब्रॉड पैरामीटर्स के ऊपर ये जो है डील करेगा। फर्स्ट रहेगा पेमेंट इनेबल्स वेट 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%, और ये सारे पैरामीटर्स में सब पैरामीटर्स भी रहेंगे, और बेस ईयर इसमें जो 2018 को जो है सिलेक्ट किया गया है। तो ध्यान रखना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है RBI का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो तिरिकथिया रिवर जो रहती है काफी ज्यादा ये जो न्यूज में रहती है, किस कंट्री में लोकेटेड है। तो तिरिकथिया ये जो रिवर है ये जो है रशिया में हमें जो देखने को मिलेगी, रशिया के जो साइबेरिया जो प्रोविंस रहेगा वहां पर हमें ये देखने को मिलेगी। ये न्यूज में इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ रहता है, और इसके बर्फ से बहुत सारी हमें जो है वैल्यूएबल जो है फॉसिल जो है मिलते हैं। एक हेड देखिए यहाँ पर एक न्यूज में था हिंदुस्तान टाइम्स का 2019 की न्यूज है, रशिया अनकवर्स 40,000 ईयर्स ओल्ड वुल्फ हेड प्रिजर्व इन आइस। तो ये भी जो है तिरिकथियाथ रिवर से जो है इसको प्रिजर्व किया गया। तो जो भी चीज न्यूज में रहती है उनके आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और अभी द हिंदू की भी न्यूज थी कि 31 दिसंबर 2020 की कि वेल प्रिजर्व जो आइस इज वूली राइनो भी जो फाउंड हुआ साइबेरिया में। तो ध्यान रखना तिरिकथियाथ जो रिवर रहती है ये हमारी रशिया में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें जो है स्टेटमेंट आपसे वेस्ट बैंक से रिलेटेड जो पूछी गई है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वेस्ट बैंक जो एक लैंडलॉक्ड टेरिटरी है नियर द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया। ये बिल्कुल सही बात है, ये जो एक लैंडलॉक्ड टेरिटरी आती है। वेस्ट बैंक ऑल्सो कंटेन्स सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेड सी शोर, ये बिल्कुल सही बात है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मैप में मैं वेस्ट बैंक को आपको दिखा देता हूँ, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। दिस इज अवर लविंग इंडिया, और यहाँ से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, मेन फोकस एरिया हमारा मेडिटेरेनियन सी और इसराइल यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इसराइल, दिस इज अ मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और जूम कर दूँ तो ये जो आपको डॉटेड डॉटेड इसमें दिख रहा है ये जो इसके ऊपर मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, दिस इज वेस्ट बैंक डॉटेड इसलिए क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। देखिए इसराइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पेलेस्टीन जो है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप तक रहता है, गाजा स्ट्रिप में मैं इसके बाद बैंक होता। देखिए तो वेस्ट बैंक इस तरह से रहेगा कि जो एक लैंड ऑफ टेरिटरी है नियर द मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेड सी, यानी कि कुछ जो स्ट्रिप्स हैं डेड सी की वो जो है वेस्टर्न बैंक के अंडर जो है आएगी, वेस्ट बैंक के अंडर, और इसराइल और जॉर्डन के बीच में जो आपको डेड सी देखने को मिलेगा। अब ये रही गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेलेस्टीन जो आज डेट में जो है पेलेस्टीन के जो अरब जो लोग हैं वो जो है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप तक जो है सीमित रह गए, बाकी जगह इसराइल के जो जीविस जो ज्यूज जो लोग हैं वो जो है ये है। और टेल अवीव जो इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है कैपिटल ऑफ इसराइल, और इसराइल और पेलेस्टीन से रिलेटेड जो है इंडिया का स्टैंड है टू स्टेट सॉल्यूशन। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है ये बॉर्डर शेयर करेगी इजिप्ट के साथ और मेडिटेरेनियन सी के साथ, और ये लैंड लॉक्ड नहीं होगी गाजा स्ट्रिप।
और इसराइल का आप ध्यान रखना, इसराइल बॉर्डर शेयर करेगा आपके इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, लेबनान के साथ और सीरिया के साथ, और इसराइल और सीरिया के बीच में ये गोलान हाइट्स, ये डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिलेगा, और गुल्फ ऑफ एक्यूबा और मेडिटेरेनियन सी को जो ये इस तरह से टच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है पूछा गया है। देखिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट पहले इनिशिएटिव था दिल्ली पुलिस का 2013 के आसपास, बाद में 2018 में इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है इसको अडॉप्ट किया गया और निर्भया फंड के द्वारा जो है इसको जो है फंडिंग दी जाने लगी, और 60:40 इसमें फंडिंग पैटर्न है। तो इसमें बोला कि इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का गलत हो जाएगा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है फर्स्ट में गलत हो जाएगी और फंडिंग पैटर्न 60:40 रहेगा। सेंटर स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल स्पॉन्सर का मतलब होता है कि कुछ शेयर सेंटर का होगा और कुछ शेयर स्टेट का होगा, और सेंट्रल स्कीम का मतलब होगा कि पूरा का पूरा शेयर जो है फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। तो राइट आंसर इज बी, ओनली टू इज करेक्ट। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो न्यूज में था क्योंकि ग्राउंड लेवल इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसमें देखिए बोला गया कि प्रपोजल जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट को सेटअप करने का जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो 2013 में जो है किया गया था, बाद में इसको होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है 2018 में जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था। दिस क्वेश्चन इज ऑफ सुपर इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया कि कौन से करेक्टली मैच है। देखिए प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंबला एक बफेलो रेस रहती है कर्नाटका में, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट गलत होने से मारा इलिमिनेशन से ही सेकंड और थर्ड मारा ठीक हो जाएगा। जलीकट्टू एक बुल टेमिंग जो है फेस्टिवल होता है आपके तमिलनाडु का, और आनावाल पीढ़ी जो है एलिफेंट की टेल को इसमें पकड़ा जाता है, टस्कर की टेल को पकड़ा जाता है। टस्कर देखिए हम एलिफेंट को ही बोलते हैं, टस्कर इज अ सिनोनिम ऑफ एलिफेंट, तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, कंबाला सीजन इन कर्नाटका टू बिगिन बाय जनवरी एंड, और 4 जनवरी 2021 की है। इस तरह से ये बुल रेस जो है ये कर्नाटका में हमें देखने को मिलती है, और जनवरी मंथ में जनवरी के एंड में जनवरी ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको कि कंबाला जो है एनुअल बफेलो रेस रहेगी, जो कि ट्रेडिशन है कर्नाटका से, दक्षिणा कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट की फार्मिंग कम्युनिटी की, उडुपी डिस्ट्रिक्ट की फार्मिंग कम्युनिटी रहेगी। एरिया को जो है तुलुनाडु लैंड ऑफ टुलु लैंग्वेज भी बोला जाता है। पियर ऑफ बफेलो जो टाइड किए जाते हैं प्लफ के द्वारा, और 1% जो इनको जो चलाते हैं बीटिंग करेंगे बफेलो को भी डिस्ट्रिक्ट टू रन फास्टर, और जो जीत जाएगा वो चैंपियन। देर आर ऑल्सो टू पैरेलल मल्टी ट्रैक्स भी रहेंगे, ऑन विच टू कम्पीटिंग पेयर्स ऑफ बफेलो रन फास्टर टीम जो विन कर जाएगी। तो कंबाला इस तरह से कर्नाटक में होगा, जलीकट्टू तमिलनाडु में, और अनावल आईपीडी कैचिंग एलिफेंट टेल ईयर केरला में देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका अनावल पीढ़ी है ये काफी सारे न्यूज में रहता है, पुलिंग द टेल ऑफ टस्कर, टस्कर एलिफेंट को जो है बोलते हैं। और ये जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है केरला के उमा नुलूर श्री बाला सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल में ये जो है देखने को मिलेगा रिचुअल। तो मेक श्योर टू रिमेम्बर दिस अनावाल पेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इसमें पूछा गया कि स्वस्थ वायु इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो कि डेवलप किया गया सीएसआईआर के साइंटिस्ट के द्वारा। तो देखिए ये जो है एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीएसआईआर के साइंटिस्ट के द्वारा जो स्वस्थ वायु इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया गया है। पीआईबी की न्यूज जो है आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीआईबी की न्यूज जो है आप 5 जनवरी 2021 की देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि सीएसआईआर की जो आपकी जो नेशनल एरोस्पेस जो लेबोरेटरीज हैं बेंगलुरु बेस्ड, इनके द्वारा जो है ये स्वस्थ वायु वेंटिलेटर जो है बनाया गया है, ताकि जो वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में चली हुई है उसको जो सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें देखिए पोर्ट्स के बारे में बताया गया, एसोसिएटेड कंट्री देखिए, हेम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में रहता है, इसको जो है श्रीलंका ने जो लीज सॉरी चाइना ने जो है लीज पे ले लिया श्रीलंका से, और श्रीलंका जो आज के डेट में जो है डेब्ट ट्रैप जो पॉलिसी है चाइना की, भाई लोन देके एक्सपेंशन अपने करनी है, दूसरों की टेरिटरीज को हड़पना है लोन से। पहले देखिए 19th to 20th century हमने देखा कि थ्रू पावर जो है टेरिटरीज हड़पी जाती थी, एक्सपेंशन की जाती थी, लेकिन आज चाइना जो है लोन देके जो है टेरिटरीज को जो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, एक्सपेंशन पॉलिसी इनकी लोन के ऊपर चली हुई है। तो फर्स्ट ठीक हो जाएगा। जास्क जो रहता है आपका पोर्ट, ये हमें ईरान में देखने को मिलेगा, और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो देखिए इसमें द हिंदू में एक न्यूज आया था कि हर्डल रहते हैं जाई के ग्रेट पावर एम्बिशन में, तो इसमें बताया गया है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि 2003 में जो है अनाउंस किया गया था, जो कि न्यू मार्केट्स और लाइंस जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज के लिए माना जाता है, इसमें पोर्ट्स जो रहेंगे सिविल और मिलिट्रीज के, इसमें जो ग्वादर पाकिस्तान में, जास्क ईरान में, डीजबोटी हेमेंटोटा पोर्ट श्रीलंका, और श्यानुक्विविली पोर्ट कंबोडिया में जो है ये भी ऐसे प्लेसेस रहेंगे जिनको डेवलप जो है चाइना करेगा। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इसमें ध्यान रखना, इसके दो पार्ट रहेंगे, बेल्ट में आपके पास जो है आपके पास आ जाएगा स्ट्रेटेजिक रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इसमें रोड्स वगैरह और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। दूसरा रहेगा 21st century मैरिटाइम सिल्क रोड, जो कि सी रूट रहेगा इसमें। सो दैट्स द एंड ऑफ योर वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें कुछ ना कुछ नया जानने को जो है मिला होगा, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो आपकी काफी ज्यादा जो है एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है हेल्प करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह इन सीरीज को जो है कंटिन्यू रखूं, तो आप मेरे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब
और शेयर कीजिए। थैंक्स थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।